दोस्तों, वास्तु पूजा एक महत्वपूर्ण हिंदू परंपरा है जिसका पालन अच्छे स्वास्थ्य और समृद्धि को बनाए रखने के लिए किया जाता है। ये किसी के जीवन और घर में संतुलन बनाए रखने का एक तरीका भी माना जाता है। वास्तु पूजा के महत्व को बढ़ा चढ़ाकर नहीं बताया जा सकता, क्योंकि ये किसी के जीवन स्तर को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। ऐसा माना जाता है कि वास्तु पूजा से घर से सभी परेशानियाँ दूर हो जाती हैं और आपसी परिवार के लोगों के बीच सामंजस्य बना रहता है। कई बार हम पूरी श्रद्धा और भक्ति से पूजा पाठ तो करते हैं, लेकिन फिर भी हमारी मनोकामना पूरी नहीं होती, हमारे कष्टों का निवारण भी नहीं हो पाता और हमें मानसिक शांति भी नहीं मिलती। इसके पीछे का कारण दोस्तों वास्तु दोष हो सकता है, और इन वास्तु दोषों को दूर करने के लिए हमें वास्तुशास्त्र में बताए गए कुछ उपाय अवश्य ही करने चाहिए। तो चलिए जान लेते हैं वास्तुशास्त्र में बताई गई कुछ ऐसी ही महत्वपूर्ण बातों के बारे में जो हमें पूजा घर में अवश्य ध्यान में रखनी चाहिए। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर भी कर दें, और अगर आप चैनल पर ही पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, जिस घर के बने मंदिर में ये चीज़ें नहीं होती तो वहाँ पर गलती से भी धन और बरकत नहीं होती। व्यक्ति का धनी होने का ख्वाब अधूरा रह जाता है। अगर बनना है माला माल तो घर के बने मंदिर में ये चीज़ें ज़रूर रखें। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर घर के मंदिर में हम ये चीज़ें रखते हैं तो घर में धन की कमी कभी देखने को नहीं मिलती। आज हम ऐसी चीज़ों के बारे में आपको बताएंगे जिसे अगर आप अपने घर के मंदिर में रखते हैं तो घर में हमेशा सुख शांति बनी रहती है और भरपूर पैसा आता रहता है। भगवान कृष्ण ने ये भी कहा है कि जिस घर के मंदिर में ये चीज़ें नहीं होती तो वो घर कभी मालामाल हो ही नहीं सकता। ऐसे घर में धन संपत्ति कभी नहीं टिकती, नौकरी बच्चों का पढ़ाई में मन भी नहीं लगता। ऐसे में श्री कृष्ण कहते हैं जिस स्त्री के पूजा घर में ये चीज़ होती है वहाँ गरीबी कभी नहीं आती। इसी के साथ दोस्तों हम जानेंगे कुछ ऐसे कार्यों के बारे में जो अपने घर के पूजा घर में भूल कर भी नहीं करने चाहिए, वरना ऐसे लोगों की पूजा भगवान कभी स्वीकार नहीं करते। इन कार्यों के बारे में स्वयं भगवान कृष्ण ने नारद जी को बताया था, तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखेगा। दोस्तों, नंबर एक, पूजा करते समय सबसे पहले तो ये बात ध्यान में रखें कि आपका मंदिर ईशान कोण में यानी कि उत्तर पूर्व दिशा में ही होना चाहिए, तभी आपको आपकी पूजा का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। आपको इस बात का ज्ञान अवश्य होना चाहिए कि आपके मंदिर में वास्तु के अनुसार पूजा घर पर एक ही भगवान की केवल एक ही तस्वीर रखनी चाहिए, एक भगवान की दो दो तस्वीरें ना रखें, इसे बहुत ही अशुभ माना जाता है। वास्तु के अनुसार पूजा घर में भगवान की फ़ोटो के अलावा किसी गुरु या फिर पूर्वज की तस्वीरें कभी ना लगाएं, इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाता है, इसीलिए ये गलती करने से बचें। नंबर दो, पूजा में अगर किसी सामग्री की कमी रह जाए तो परेशान ना हो या पूजा बीच में ना छोड़ें। ऐसे में भगवान को चावल और फल चढ़ाएं और मन में उस चीज़ का ध्यान करें। नंबर तीन, अक्सर लोग ऐसे होते हैं जो अपने मंदिर में कई दिनों का कचरा रख लेते हैं, जैसे कि बासी फूल, अगरबत्ती के पुराने डिब्बे, देसी घी का खाली डिब्बा और मंदिर में बिछा हुआ पुराना कपड़ा। इन चीज़ों पर ध्यान ही नहीं देते और इसी वजह से उस व्यक्ति को सीधे तौर पर बहुत ही जल्द गरीबी अपना शिकार बना लेती है। वो घर कंगाल होने लगता है और देवी देवता भी उस घर में नहीं रहते। इसीलिए इन चीज़ों पर ध्यान दें और धन की देवी महालक्ष्मी को प्रसन्न करें। नंबर चार, याद रखें कि भगवान के प्रसाद को कभी भी पूजा के पहले चखकर जूठा नहीं करना चाहिए। साथ ही भगवान पर चढ़ाए जाने वाले फूलों को या फिर धूप अगरबत्ती तथा किसी अन्य पूजा सामग्री को सूंघकर नहीं देखना चाहिए, ये शास्त्र की दृष्टि से अनुचित माना गया है। नंबर पाँच, प्रतिदिन सुबह जागकर स्नान आदि से निवृत्त होकर तथा स्वच्छ कपड़े पहनकर ही नियम पूर्वक पूजा करनी चाहिए और सुबह शाम ईश्वर के सामने दीपक अवश्य लगाना चाहिए। मंदिर और उसके आसपास की जगह साफ सुथरी रखें। भगवान को कुमकुम का तिलक लगाकर फूल चढ़ाने चाहिए। हालांकि प्रत्येक घर में पूजा के नियम होते हैं, उन्हीं को ध्यान में रखकर एक क्रमबद्ध तरीके से पूरी श्रद्धा भावना से आप पूजा करें। दोस्तों, आइए अब जानते हैं कि हमारे पूजा घर में कौन सी चीज़ें अवश्य होनी चाहिए। अगर आप भी धन से मालामाल होना चाहते हैं तो घर के बने मंदिर में ये चीज़ें अवश्य रखें।
नंबर एक, गंगा जल। हमारे शास्त्रों में गंगा जल को अत्यंत पवित्र माना गया है, इसीलिए पूजा घर में गंगा जल का होना अत्यंत आवश्यक है। गंगा नदी सभी पापों को नष्ट करने वाली तथा सभी व्याधियों का नाश करने वाली है, इसीलिए यदि आपके पूजा घर में एक तांबे के छोटे से पात्र में आप गंगा जल भरकर रखते हैं तो इससे आपके पूजा घर की शुद्धता बनी रहेगी और आपको आपकी पूजा का संपूर्ण फल भी प्राप्त होगा। प्लास्टिक की बोतल में या किसी अपवित्र धातु के बर्तन में गंगा जल नहीं रखना चाहिए। अपवित्र धातु जैसे एल्यूमिनियम और लोहे से बने बर्तन, गंगा जल तांबे के बर्तन में रखना शुभ रहता है। नंबर दो, दोस्तों शास्त्रों के अनुसार विष्णु जी और लक्ष्मी जी का ऐसा चित्र जिसमें दोनों एक साथ हों घर के बने मंदिर में अवश्य होने चाहिए। कई लोग अपने मंदिर में लक्ष्मी जी की मूर्ति तो रख लेते हैं लेकिन लक्ष्मी नारायण का चित्र या मूर्ति नहीं रखते। ऐसी मूर्तियां चित्र केवल खास मौकों पर ही लगाते हैं, लेकिन ज्योतिष शास्त्र के अनुसार लक्ष्मी नारायण का चित्र या मूर्ति और गणेश और लक्ष्मी जी की मूर्ति को हमें घर के बने मंदिर में हमेशा रखना चाहिए और नियमित पूजा पाठ करना चाहिए, क्योंकि ये धन के देवता हैं। लक्ष्मी नारायण का चित्र या मूर्ति अगर हम अपने घर के बने मंदिर में रखते हैं तो इससे बरकत और कारोबार में मुनाफा होता रहता है, घर में खुशियां आती हैं, पैसों की कोई कभी कमी नहीं रहती। नंबर तीन, शंख। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार घर के बने मंदिर में अगर आप शंख रखते हैं तो घर में हमेशा बरकत बनी रहती है। ऐसा करने से सोना चांदी और ढेर सारा धन मिलता है, इसके अलावा कारोबार में बरकत होती रहती है। इसीलिए घर के बने मंदिर में ये शंख जरूर होना चाहिए, क्योंकि जिस घर में शंख होता है तो वहां पर माता लक्ष्मी जरूर वास करती हैं। नंबर चार, देसी घी। दोस्तों एक बार नारद जी ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि व्यक्ति को कामयाब होने के लिए घर में ऐसा क्या रखना चाहिए। तब श्री कृष्ण ने बताया कि घर में हमेशा साफ जल भरकर रखना चाहिए, अतिथि का सम्मान करना चाहिए और उसे सबसे पहले साफ जल ही पिलाना चाहिए। साथ ही साथ घर के बने मंदिर में देसी घी हमेशा रखा होना चाहिए, जो कि भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत काल में बताया था। दोस्तों अगर जो व्यक्ति भगवान कृष्ण की ये बात नहीं मानता तो उसे गरीबी का सामना करना पड़ता है। दोस्तों नंबर पाँच, कलश। शास्त्रों में कलश को पूर्णता का प्रतीक माना गया है, चाहे वो सत्यनारायण की पूजा हो, दीपावली की पूजा हो, नवरात्रि का पर्व हो या फिर किसी प्रकार का उत्सव हो तथा मांगलिक कार्य हो, कलश की स्थापना किए बिना सब अधूरा माना गया है। पूजा में कलश का उपयोग देवताओं का आवाहन करने के लिए किया जाता है। ईश्वर के सामने तांबे के कलश में पानी भरकर रखना इतना शुभ होता है कि यदि हम अपनी रोज की पूजा करते समय भगवान के सामने तांबे के कलश में पानी भरकर रखें तो उसका चमत्कारिक प्रभाव हमें अवश्य देखने को मिलता है। इसीलिए मुख्य रूप से तांबे के कलश का उपयोग करें। इसके अलावा किसी भी शुभ मुहूर्त या त्योहार पर आप जब भी पूजा करें तो कलश पर कुमकुम से स्वास्तिक चिन्ह बनाकर उस पर चावल लगाएं और मौली बांध दें, फिर कलश में शुद्ध पानी भरकर उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिला लें। कलश को भगवान के दाईं ओर रखें, फिर भगवान की पूजा करते समय कलश की पूजा करें। इसके बाद पूरे मन से भगवान के साथ साथ कलश को भी नमस्कार करें, सभी पवित्र नदियों का आवाहन करें। पूजा के बाद पूजा घर में इस जल से छिड़काव करें, घर के बाकी हिस्सों में भी इस जल का छिड़काव करें और बचा हुआ पानी तुलसी के पौधे में चढ़ा दें। ऐसा करने से इस अभिमंत्रित जल से निकलने वाली सकारात्मक ऊर्जा घर के वातावरण को पवित्र बनाती है और संपूर्ण घर में अद्भुत शांति का एहसास होता है। कलश में हम जो जल भर कर रखते हैं उसकी पूजा करने से हमारे घर और आसपास का वातावरण सकारात्मकता से भरपूर और सुख समृद्धि से भरा हुआ रहता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे अन्य वीडियो में नई जानकारी के साथ। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।